हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी हूँ फिर से न्यू ब्लॉग के साथ में। तो अभी ना सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ ब्रेकफास्ट पे, और ब्रेकफास्ट मेरा पता है किस टाइम पे हो रहा है, 11:30 पे। एक्चुअली क्या, राशि आज स्कूल नहीं गई, इसको कोल्ड हो रखा था, तो ये बोली मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा, तो फिर आज मैंने इसकी छुट्टी करा दी। तो हम लोग सो गए थे समूह के ऑफिस जाने के बाद में, हम सब लोग सो गए थे, और जब सो के उठे, नहा धो के, पूजा पाठ करके, देन अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, पास आके दिखाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में है मेरा एक ही है, मैंने ये बनाई है बथुए और बाजरे की रोटी, और दूसरी मैंने बनाई है चुकंदर मेथी धनिये मिर्ची की रोटी। अपने लिए दो रोटियां हैं मेरी ये, और मैं थोड़ा सा मतलब डाइट स्टार्ट कर रही हूँ। ये आलू की सब्जी कल रात बनाई थी, वो बच गई, ये दही है, और ये है मेरी चाय जो कि बिना चीनी की है। मैंने सोचा कि मैं गुड़ वाली भी नहीं, बिना चीनी की ही चाय पीऊंगी। यार मैं डाइट वाइट तो मैं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, और राशि को सिर्फ पूड़ी खानी थी, मतलब इसको सब्जी भी नहीं खानी है। कर्ड मांग रही थी तो कर्ड मैंने दिया नहीं है, इसलिए कर्ड नहीं दिया है क्योंकि इसको कोल्ड हो रहा था, कर्ड इसको नुकसान करता है। अभी शिक्षा भी नहा के आ गई, पूजा करके वो भी आ रही है, तो इसको हाँ वो बाहर रख दिया मैंने फ्रिज से कर्ड निकाल के, तो नॉर्मल हो जाएगा तब खाएगी। तो इसको ऐसी ना सादी पूड़ियां बहुत अच्छी लगती है, ऐसी आलू की सब्जी ले लो ना बाबू, क्यों आपको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ये वाली रोटी मैंने बनाई, और यार बाजरे की रोटी है दोनों ही, ये देखिए कितनी अच्छी और पतली पतली सी बनी हुई है। इसकी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगी। उस तरीके से अगर आप बाजरे की रोटी बनाएंगे ना, अगर आप भी न्यू न्यू हो, आपको बनानी नहीं आती बाजरे की रोटी, आपको अच्छी लगती है, तो इस तरीके से कभी ट्राई करना, आपकी बाजरे की रोटी ना बहुत ही अच्छी बनेगी और आप आराम से उसे बना लोगे। तो देखते हैं खाके कैसी बनी है। बहुत यम्मी बनी है। मैं नाश्ते में मतलब इस टाइप का हैवी ब्रेकफास्ट लेती हूँ, लंच में बहुत हल्का ओट्स ले लूंगी मैं, या ऐसे ही दाल ले लूंगी, सिर्फ सिर्फ ये, और कोई भी मतलब मैं ग्रेन्स नहीं लूंगी। और कल का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना। आप लोग यार ब्लॉग देख के कॉमेंट नहीं करते, कॉमेंट भी किया करो। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे, एक और फ्रेंड के घर पे, क्या कि मेरे ब्लॉग से ही उन्होंने मुझे देखा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी ही सोसाइटी में रहती है, इवन मेरी सोसाइटी में नहीं, मेरे ही टावर में रहती है। तो मुझे कल भी उनका मैसेज आया था कि मुझसे मिलने के लिए आना आप, तुमने कहा ठीक है, तो मैं पार्क जा रही थी, ऐसे स्कूल भी नहीं गई थी, उनका छोटा बेबी भी है, तो हमने सोचा चलो उनसे जाके मिल लेते हैं चल के। और तब तक मुझे ना एक पार्सल रिसीव हो गया ये अमेजोन से, मैंने ये जैकेट मंगाई थी, तो आप लोग को दिखा भी देती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारी मैजेंटा कलर की जैकेट आई है ये, तो ये जैकेट मैंने मंगाई थी, ये पहन के भी मैं जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही प्यारी जैकेट है। और इधर मेरी ननद जी का फोन भी आ रहा है, तो अभी मैं उनसे बात करूंगी, देन फटाक से मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी। तो चलो आप लोगों को भी मिलाऊंगी अपने फ्रेंड से, क्योंकि वो ब्लॉग देखती है, तो मैंने उनसे पूछा था ब्लॉग में आएंगी, तो कही थी ठीक है मैं देखती हूँ, मैं कैमरा से आई हूँ, बट मैं आने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अभी आप लोगों को अपनी फ्रेंड से भी मिलवाते हैं, और राशि को पार्क भी ले जाऊंगी, क्योंकि फिर कल उसका स्कूल है, फिर शाम को थोड़ा सा मौसम ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं मिलने के लिए, देखते हैं कैसी लगती है। फ्लैट नंबर याद है ना कि नहीं याद है? अरे रट्टी चल रही फ्लैट नंबर, रट्टी चल रही, क्योंकि मुझे फ्लैट नंबर नहीं पता, तो हम दोनों कितनी बातें होगी, फ्लैट नंबर मुझे पता ही नहीं था, मैंने उसे अभी मैसेज किया, यार मैं आज लगी हूँ फ्लैट नंबर तो बताओ अपना, तो अभी उसने मुझे फ्लैट नंबर बताया। चलो ढूंढते हैं। तो ये है इसका घर, बहुत प्यारे से डेकोरेट कर रखा है इसने, और बेबी सो रहा है, बेबी सो रहा है इसका। हाँ अरे नहीं वो तो अभी तो आप सिफ्टी हुए हो ना इस मंथ, तो धीरे धीरे भाई, हम तो सोचो 6 महीने से खरीद रहे, अभी तक हमारी खरीदारी पूरी नहीं हुई है, और पूरी होती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से चीजें भी नहीं खरीद सकते ना आप एकदम से, वही चीज। तो क्या बना रही हो? कॉफी बना रही है, मना कर रही है, जबरदस्ती कॉफी बना रही है। चलो बनाओ, अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत सर्दियों में तो बहाना मिलता है, सही बात है। और इस इसका ना मतलब ये वाला है साइड जो है, यहाँ से ना बहुत अच्छी धूप आती है, और ना रोड साइड का व्यू दिखता है। तो चलो हमें जब धूप की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारे घर आएंगे, जिस दिन धूप निकलेगी।
चलो आज इधर आ जाओ। तो कॉफी बन के आ चुकी, कॉफी देखिए कितनी ही प्यारी बनाई है इसने, मतलब देखने से इतनी डिलीशियस लग रही, पीने के बाद में तो और ही अच्छी होगी। लो टेस्ट करते हैं, मम्मी उठाओ तुम्हारी कॉफी दी। लो चॉकलेट तो नहीं बेटा, कॉफी है ये। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम आना मेरे घर पे, ठीक है? अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत तुम आना मेरे घर पे और हम बाद में मिलते रहेंगे वैसे खेलने। हमारी तरफ से चाय। हाँ, अब हमारी तरफ से तुम चाय पीना आके। मैं तो चाय लवर हूं, मुझे कॉफी। मेरी बेटी का सपना भी अधूरा रह गया तुम्हारे बच्चे के साथ खेलने का, वो उसे पूरा करना है। हाँ, उसे लेके आना, ठीक है? हम लोग उनके घर से आगे हम जा रहे हैं पार्क, खोले राष्ट्रीय पार्क में खेलने देते हैं। और अब बादल छाए हुए हैं, मौसम काफी अच्छा सा है, तो चलते हैं देखते हैं जिनके पार्क में क्या होगा। पार्क आई समझ आ रही हूँ, पार्क को ले जाएंगे चिल्ड्रन वाले पार्क में, जहाँ पे ये अपना झूले बोले थोड़ी देर झूलने। और पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, बारिश हुई, पानी पानी दिख रहा है। वीडियो शूट करना है जो मैं सरोजी से प्रोडक्ट लाई थी, वो एक अमेजॉन का, वो दिखाऊंगी मैं आप लोग को मैं क्या क्या लेके आई थी। तो अभी चलते हैं घर, राशि को मैंने धुला दिया है, खिलवा दिया है, अब चलते हैं घर। ओके, चल के देखते हैं चल के क्या करना है। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और घर में ये देख लो काम कर रही हैं मेरी बहन जो है, तुम गई नहीं थी और लोग सब सोचेंगे मैं अकेले घूम रही, तुमको लेके नहीं गई थी। इसका ऑफिस चल रहा था और ये घर पे आके अपना, मैंने बोला इनसे अब तुम पढ़ाई करो बैठ के, तो ये पढ़ाई कर रही हैं। और गाइस अभी ना अर्थक्वेक आया, तुमको फील हुआ अर्थक्वेक? अभी ना अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, काफी ज्यादा तेज झटके थे, बट ठीक है यार, सब लोग सही रहे और क्या। तो तुम चलो ऑफिस का काम करो, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक, ठीक है? तुम काम करो अपना। ओके गाइस, हमारे घर में मैं बता रही हूँ गाजर का हलवा, तो उसके लिए मुझे ना खोए वाला ही गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए पहले ये खोया बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मेरा खोया चढ़ा हुआ है, इधर मेरा खोया बन रहा है, इधर मैंने गाजर जो वो कद्दूकस कली, देखिए गाजर ये रखी थी कद्दूकस कली, और मैंने इसे घी में भूनने के बाद ना थोड़ा सा इसका पानी छोड़ने के लिए ऐसे बंद करके रख दिया है पकने के लिए, कि पहले थोड़ी सी ये पक जाए घी में, इसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। तब तक जब तक ये सब प्रोसेस होगा उतनी देर मेरा खोया भी हो जाएगा। देखिए इस प्रोसेस में भी आ चुका है, रबड़ी पे आ चुका है मेरा ये खोया। और इसके लिए मैंने ये लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना लोहे की कढ़ाई अच्छी रहती है, उस पर ही ये खोया अच्छे से बनता है। एक लीटर दूध का मैं खोया बना रही हूँ, कितना बनता है ये तो देखेंगे। पहले के मैं शॉर्ट्स लेना भूल गई, बना पहले ले लेती तो सबको और देखने को मिल जाता। बहुत ही अच्छी तरीके से खोल रहा है ये दूध, और ये भी खोया बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा गाजर का हलवा। और आज ऐसी वो है कि मेरे ड्राई फ्रूट्स भी खत्म हो गए, मेरे घर में इलायची भी खत्म होगी, बट ठीक है मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी लड्डू बना लिए थे रिसेंटली अपने घर पे, बहुत मस्त वाले लड्डू बनाए थे, उसमें सारे ड्राई फ्रूट उठा के मैंने डाल दिए, जो वो गोंद वाले लड्डू बनते हैं ना, मैंने वो वाले लड्डू बना लिए थे, तो सारे ड्राई फ्रूट खत्म हो गए। तो बट गाजर का हलवा खाने का मन था हस्बैंड का, तो मैंने सोचा जो है उसमें बना दो। हलवा बन के रेडी हो गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट नहीं है, मैंने खोए को डाल दिया है, देखने में कुछ इस टाइप से लग रहा है। बाकी अब पति तो ऑफिस से आ चुके, वो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना। तो देखिए मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि खोया वगैरह सब ऐड कर दिया है मैंने। अब मैंने खिला के दिखाऊंगी, भोग भी लगा दिया भगवान जी को मैंने, क्योंकि कुछ भी मीठा बनाओ भगवान जी को भोग पहले लगा दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैंने भोग लगा दिया। कलर देखिए कितना अच्छा आया हलवे का, मैं इस टाइप से बनाती हूँ, अगर ड्राई फ्रूट और डाले होते तो अच्छा रहता। अब अंगी पर बनाऊँगी तो ड्राई फ्रूट डाल लूँगी, बचा के रखूँगी कुछ घर में। तो चलिए आप फटाफट से इन्हें खिलाते और रिव्यू लेते हैं कि कैसा बना है। तो हलवा बन चुका है, अब ये टेस्ट करके दिखाएंगे हलवा कैसा बना है, बताओ। राशि को भी टेस्ट करो थोड़ा सा। वाह बहुत ही टेस्टी बना है राशि, देखो थोड़ा सा खा के तो देखो। बेटा मुझसे प्यार भी नहीं करती क्या?
थोड़ा सा खा के देखो पहले, अगर ना अच्छा लगे तो बताना, थोड़ा सा खा के देखो। बेकार लगा ना। राशि को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, लड्डू अच्छे, सिर्फ लड्डू अच्छे लगते बूंदी के, वो भी। तो गाइस मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए रेडी होके बैठी थी, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए थे। ये वाला हॉल वीडियो ना आपको मेरे दूसरे चैनल स्टाइल विद रश्मि पे देखने को मिलेगा। तो मेकअप भी मैंने ऐसे सिंपल सा जलील से कर लिया था, और नॉर्मल मैंने एक ये टर्टल नेक वाला टॉप पहन लिया था, देन ग्रीन स्कर्ट इसके साथ में मैंने पहनी थी, मेरी बड़ी फेवरेट स्कर्ट है ये, देन ये मैंने एक नेक पीस पहना हुआ था। तो मैंने बस एक हॉल वीडियो शूट कर रही थी अमेजोन का, तो प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिखा दिए हैं। अगर आप लोग को भी देखने हैं अमेजोन के हॉल, या आप चाहते हैं कि मैं इसमें भी दिखा दिया करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो अभी मैं एक और वीडियो शूट करने जा रही हूँ, शॉर्ट शूट करने जा रही हूँ, और अपने स्टाइल विद रश्मि वाले चैनल के इसमें भी दिखा दूंगी। सरोजनी नगर से कुछ शॉपिंग करी थी मैंने, तो वही मैं दिखाने वाली हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगी। चलो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे सरोजनी नगर जब मैं गई थी ना, सरोजनी नगर से मैंने बैग्स खरीदे थे, इयररिंग्स खरीदे थे। तो सरोजनी नगर से मैंने ये वाले इयररिंग्स खरीदे थे, पास से देखिए, ये वाले भी मैंने लिए थे शायद से 30 रुपीज के, तो ये भी 30-30 रुपीज के हूप्स थे। इसके बाद मैंने वहाँ से खरीदी थी चेन्स, इस टाइप की चेन्स सरोजनी नगर में आजकल बहुत मिलती हैं। 100 रुपीज की 4 दे रहे थे, बट मैंने उनसे ना 100 रुपीज की 5 ले ली थी। तो एक ये है जो आपने देखी, दूसरी ये वाली है, ये दूसरी ये है। इसके बाद ना ये यूनिकॉर्न वाली है, बड़ी ही प्यारी, जिसपे मेरी राशि का दिल आ गया है। मैंने ना वहाँ से 2 बैग्स भी परचेज किए थे सरोजनी से। पहला मैंने एक LV का कॉपी बैग था, शॉप नंबर था 173 समथिंग, वहाँ से परचेज किया था ये। 800 रुपीज का बैग था ये, और वो भैया बार्गेन बिल्कुल भी नहीं करते, उनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ बैग्स रहते हैं, इतने भी ब्रांडेड लग्जूरियस ब्रांड होते ना, वो सब उनके पास में मिल जाते। तो ये बैग मैंने उनके पास से परचेज किया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है, स्ट्रैप इसकी बहुत ही अच्छी दे रखी गई है, मुझे बड़ा पसंद आया था ये बैग। ये देखिए ये यार, ये भी बहुत ही प्यारा लगा था। एक मैंने ये लिया था, ये मुझे शायद से 600 रुपीज का पड़ा था, ये 600 कुछ का था ये वाला, इसमें भी उन्होंने बार्गेन नहीं किया था। इसकी भी स्ट्रैप बहुत ही अच्छी है, ये भी मुझे बहुत गुड क्वालिटी का लगा। देखिए ये अंदर से ये भी बहुत स्पेसियस है, देखिए ये। इसके बाद मैंने राशि के लिए कोजी सा नाइट सूट लिया था, जो राशि बहुत पहन रही है आजकल, ये वाला नाइट सूट लिया था मैंने। ये पैंट है और ये टॉप था, ये नाइट सूट लिया था। तो गाइस आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें मैंने सरोजनी नगर से परचेज की थी। अभी ऑलरेडी मैंने बैक टू बैक 2 वीडियो शूट कर लिया, और ये शॉर्ट वीडियो भी मेरा बन जाएगा इसमें। अब मुझे ना ट्राई ऑन हॉल भी शूट करना है, जो मैंने कपड़े भी दिखाए ना अमेजोन पे, उस पे ट्राई ऑन हॉल भी शूट करना है। तो वो भी राशि को स्कूल से लाने का टाइम हो गया, तो मैं वहाँ से आने के बाद ही वो शूट करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को क्या क्या मैंने लिया है, क्या है, तो अभी शूट करूँगी। तो अभी बस मैं यहाँ पे जो अपना वो बना रखा ना, मैंने उस पर बस मैं शूट कर रही थी बैठे बैठे, जहाँ पे मैंने शूटिंग वाला एरिया बना रखा वो दिखाऊँगी, कुछ एरिया स्पेशली स्कूल डाल के बैठ जाती हूँ वीडियो में। और अभी ऐसे लंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हमारा, बस मेरा तो फास्ट ही हो, मेरी बहन ने भी कुछ नहीं बनाया, उसका भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि राशि आएगी उसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना है मुझे, तो दोनों का ही काम चल जाएगा। तो गाइस आज ना हमारे घर पे बन रहे हैं मोमोज, और एक्चुअली ना मेरा स्टीमर जो था वो कुछ ख़राब हो गया है, तो हमने इस तरीके से भगोने में आज मोमोज बनाने पड़े हैं। तो हमने देसी तरीके से मोमोज बना लिए हैं, इसमें पानी रख दिया, तो हम ये देख लिए, निकाल के भी रख चुके हैं कुछ मोमोज जो हैं, और कुछ हमारे इसमें रखे हुए हैं, कुछ मैंने कुकर में भी बनाने के लिए रखे हुए, देखते हैं कुकर वाले कैसे बन के निकलते हैं। तो ये एक प्लेट जो है निकल रही है खाने के लिए, हमने सोचा कि कुछ देसी तरीके से घर में ही बनाए जाएं मोमोज। तो बाकी आगे का तो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में करने में लगे, तो बाद में मुझे याद आया कि यार वीडियो भी शूट कर लेते हैं मोमोज बना रहे, बट अगली बार बनाएंगे तो उसकी क्लिप हम ज़रूर लेंगे। तो चलिए मैं तो जा रही हूँ मोमोज एंजॉय करने के लिए। तो गाइस हमारे मोमोज में बनके तैयार हो चुके हैं, एक स्लॉट जो निकल आया है तो मैं यहाँ पे ले आए हैं खिलाने के लिए। तो देखिए इस टाइप से है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ तो कमेंट करना, तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर शेयर करूंगी। और हमने बनाई है मोमोज की चटनी भी, अभी टेस्ट करके इसे दिखाएंगे मेरे हस्बैंड जी, और बताएंगे कि कैसे लगे हैं ये मोमोज। ये मैं ही टेस्ट करके दिखा देती हूँ कैसा बना, देखते हैं। चटनी भी बहुत टेस्टी लग रही है देखने में, तो यार बहुत टेस्टी बने, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे हैं। देखो खाके चटनी बहुत स्पाइसी, एकदम बिल्कुल मजे वाली बनी है। मैं भी खाऊंगा, देखता हूँ। अब तो मैं मैचिंग में आगे क्यों बैठी हूँ आज, एकदम मैचिंग मैचिंग ब्लैक ब्लैक। और आज ऐसा क्या है भाई, हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा है, मोमोज बन रहे हैं, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अच्छे है ना, टेस्टी बने, रेस्टोरेंट से अच्छे बने, मार्केट टाइप के बने हैं।
नेक्स्ट टाइम रेसिपी शेयर की जाए। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं एंजॉय करें और आराम से सो जाएं खा पी के। तो आई होप सो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने घर में मोमोज जरूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा, बताइएगा कि कैसे बने आपके घर पे मोमोज। अगर रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, जिस तरीके से देसी तरीके से हमने घर पे बनाए हैं वो ही देसी तरीका मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि हमने घर पे कैसे बनाए हैं। अगर स्टीमर नहीं है तो बिना स्टीमर के भी आप घर में बना सकते हैं, भगोना और छन्नी तो सबके घर पे होती है, इजिली बन जाएंगे। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। फिर मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लो।